आज का हमारा टॉपिक है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। हमें पता है कि अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा एग साइज बहुत बड़ा होता है। एग्स के अंदर अनेक प्रकार का रिजर्व मटेरियल पाया जाता है, योक, ग्लाइकोजन, जैसे कि योक एवं ग्लाइकोजन, और इसमें कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। एग्स का साइज बहुत बड़ा होता है। एग सेल या ओवम के तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं, टू सप्लाई अ न्यूक्लियस कंटेनिंग हाफ ऑफ द क्रोमोसोमल कंपोनेंट ऑफ द फ्यूचर एम्ब्रियो। ये आधा क्रोमोसोमल कंपोनेंट सप्लाई करता है फ्यूचर एम्ब्रियो के लिए, और इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है लगभग ये पूरा का पूरा जाइगोट को सप्लाई करता है, और ये फूड रिजर्व्स सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो उस अवस्था तक पहुंच सके जिसके आगे वह स्वयं एक्सोजीनस मटेरियल्स से पोषण प्राप्त कर सकता है। तो इन कारणों से एग सेल इमोटाइल होता है, लार्ज साइज्ड होता है, बड़े आकार का, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, और इसकी पैकेजिंग की जाती है और प्रोग्रामिंग की जाती है ऊजेनेसिस के समय। ऊजेनेसिस की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की अपेक्षाकृत अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके फलस्वरूप चार अनइक्वल साइज के हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक ही साइज के चार स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हुए थे, हैप्लॉयड सेल्स, लेकिन यहां पर चार अनइक्वल साइज हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ ही एग साइटोप्लाज्म में फूड रिजर्व्स एकत्रित कर लिए जाते हैं ऊजेनेसिस प्रोसेस में, ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय पोषण प्राप्त हो एम्ब्रियो को। इसके इन एडिशन बिफोर द अकरेंस ऑफ मियोसिस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एग साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन से पूर्व ही ग्रोथ की प्रक्रिया इसमें हो जाती है और एग साइटोप्लाज्म का विभेदन कर लिया जाता है इसमें। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन यानी कि वृद्धि एवं विभेदन की प्रक्रियाएं इसमें संपन्न कर ली जाती हैं। ऊजेनेसिस की प्रक्रिया लगभग सभी वर्टिब्रेट ग्रुप्स में एक समान होती है। ऊजेनेसिस के समय जर्मिनल एपिथीलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो सरफेस एपिथीलियम से डिटैच होकर और ओवरी के कॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाती हैं। ये जर्मिनल सेल्स जो होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और इन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये तीन स्टेजेस से पास होती हैं, जिसके फलस्वरूप फुली फॉर्म्ड एग का निर्माण होता है। इन थ्री स्टेजेस
को हम कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्यूरेशन। मैमल्स के अंदर निम्न प्रकार से संपन्न किया जाता है ओजेनेसिस। सबसे पहला है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स, उगोनिया का निर्माण करती हैं, जिसे हम एग मदर सेल कहते हैं। उगोनिया कोशिकाएं प्रोलिफरेट होती हैं बार बार माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा, जिनके फलस्वरूप एग्स का निर्माण होता है। जब सेल डिवीजन रुक जाता है, तब ये प्राइमरी ओसाइट्स बन जाती हैं, और उसके बाद ये जो प्राइमरी ओसाइट अवस्था है, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ में एंटर करती हैं, फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओजेनेसिस में, क्योंकि एग्स बहुत सारा सब्सटेंस कंट्रीब्यूट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। पीरियड ऑफ ग्रोथ फीमेल गैमेट में बहुत प्रोलॉन्ग होता है, और ओसाइट्स का ट्रेमेंडस ग्रोथ होता है, बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है ओसाइट्स में इस फेज के अंतर्गत। अधिकांश प्राइमोर्डियल सेल्स, जर्म सेल्स, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर 0.01 mm डायमीटर के होते हैं। द यंग ओसाइट्स ऑफ एम्फीबियंस में बी अबाउट 50 माइक्रोमीटर। बर्ड्स में बहुत बड़े साइज के एग्स पाए जाते हैं, तो हम यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं। बर्ड्स में ओवम का डायमीटर होता है एज लार्ज एज 40,000 माइक्रोमीटर, मैमल्स में सिर्फ 200 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ओसाइट्स में ग्रोथ पीरियड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड एंड वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड के अंतर्गत सिंथेसिस और एक्यूमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल नहीं किया जाता है, पर न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में वृद्धि की जाती है। साइटोप्लाज्म की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मात्रा में वृद्धि की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क बढ़ जाता है। गॉल्गी बॉडीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं इन एडिशन टू देयर नॉर्मल फंक्शन।